हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी कैन में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं HCG हार्मोन के बारे में। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर लिखा होता है HCG। क्या मतलब होता है इसका, इसी बारे में हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोट्रोपिन नामक एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में प्लेसेंटा में बनने वाली कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है और निषेचन के बाद अंडे को पोषित करता है, गर्भाशय की दीवार से जुड़ने में उसकी मदद करता है। प्रेगनेंसी के 11 दिनों बाद जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं या फिर 12 से 14 दिनों के बाद जब आप यूरिन टेस्ट करते हैं तो इसकी जो लेवल को आप चेक कर सकते हैं कि कितना ये बढ़ चुका है। आमतौर पर 72 घंटे में जो HCG का स्तर है वो दोगुना हो जाता है और प्रेगनेंसी के शुरुआती 8 से 11 हफ्तों में ये जो हार्मोन होता है काफ़ी चरम सीमा पर होता है और बाद में इस हार्मोन में काफ़ी गिरावट आ जाती है। तो ये है HCG, प्रेगनेंसी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।